क्योंकि उसने हमारे सारे दुख क्रूस पर ले लिए। क्या ले लिए? तो तुम क्यों रो रहे हो? बताओ मुझे, तुम किस काम के लिए रो रहे हो? फिर उसका पॉलस कहता है, उसका मरना व्यर्थ है, तुम्हारा विश्वास करना है। आज आज बच्चे आए हैं कि नहीं आए? वो आए उनके साथ जो सिस्टर जिसकी वो प्रेग्नेंट है और वो डॉक्टर ने बोला कि उसके बच्चे के दिल में शेक है, ऐसे करके वो बोल रहे थे। वो आए? ये देखो, तो आप आ क्यों नहीं रहे? मैं बोल रहा हूं आप ही हो जिनके बच्चे में के दिल के दिल में शेक है, डॉक्टर ने कहा। अब सुनो, मैं आपको, आप आगे आ जाओ, आगे आ जाओ जल्दी से। ध्वनियों को सुनते हैं क्योंकि आज जो फेथ का बड़ा वचन है तो समझना पड़ेगा। ये विश्वास करती है बच्ची। आज आगे आ जाओ बच्चे, आगे आ, क्योंकि जो खड़े लोग हैं आज ऊपर आ जाओ, यहां पे आओ, अब मेरे पास आओ, ऊपर आओ। जो जहां पे आता है ना इस पुरपट पे, वो बड़ा ब्लेस होता है। जल्दी से बात कराओ, ये नॉर्मली बात नहीं है। सुनो, और खास करके तब जब उसकी उपस्थिति मेरे साथ होती एकदम से, तो सुनो, ये इसका पहला बच्चा भी आपका, उसके भी दिल में शेक था, तो वो उसकी डेथ होगी। तो सुनो, उसकी क्या होगी? डेथ होगी। अब मुझे ये थर्सडे की मीटिंग में मिले और ये उस बात को लेकर कि इनकी फैमिली वाले कुछ ऐसे बोल रहे थे, ऐसे थोड़ा होता है ना, तो ये बड़ी उदास थी और रो रही थी। मैंने कहा ये कहां पर ये चीज लिखी है कि तुम्हारे साथ ऐसे हो जाए तो तुम रोना शुरू कर दो? कहां पर लिखा मुझे पहले बता दो ना। तो मैंने इसे समझाया क्योंकि परमेश्वर हमें क्या कहता है, दुखियारे के दिन, क्योंकि उसने हमारे सारे दुख क्रूस पर ले लिए। क्या ले लिए? तो तुम क्यों रो रहे हो? बताओ मुझे, तुम किस काम के लिए रो रहे हो? फिर उसका पौलुस कहता है, उसका मरना व्यर्थ है, तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ है। बोलो क्या है? उसका मरना व्यर्थ है, तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ है। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मानो जो नित्य भोज में है, पार्टी में, वो आनंद करता है। तुम आनंद करो, तुम आनंद करने के लिए बुलाए गए हो। बोलो क्या है? तुम्हारा काम सोचना नहीं है कि मेरे बच्चे के दिल में शेक है और डॉक्टरों ने बोला जिस परमेश्वर ने, क्योंकि गर्भ में बच्चे को रचने वाला कौन है, बनाने वाला कौन है? सबब देश कहता है, एक गर्भवती के पेट में बच्चे की हड्डियां कैसे बढ़ जाती है किसी को नहीं पता। डॉक्टर तो सिर्फ पढ़ लिख कर अपनी डिग्री लेकर उसका इलाज करता है। हाँ, कुछ ऐसी चीजें हमारी बॉडी के अंदर, ऐसे पार्ट है जो वो कहते हैं ये बस ऐसे ही है, पता ही नहीं होनी। एक पेंडिस की नाड़ होती है, जब उसकी प्रॉब्लम होती है तो उसे निकाल देते हैं और वो कहते हैं ये फालतू होती है। ऐसे कैसे हो सकता है परमेश्वर फालतू चीज हमारी बॉडी के अंदर पाए? पर ऐसी चीजें हैं। पर जिसने इसके गर्भ में उस बच्चे को बनाया, क्या वो उसको सामर्थ रखता है हील करने की, चंगा करने की? पर जो रोएगा, ये रो रही थी बड़ा, तो मैंने इसे कहा रोना नहीं, आज से रोना नहीं है। तेरे बच्चे का जो शेक है वो आज से ही, देखो मैं ये सारे सामने, मैं इसी फेथ से सब कुछ करता हूं। और तेरे बच्चे, हाथ रख लें अपने बच्चे के पेट पर, इन द नेम ऑफ जीसस, सब अंधकार की शक्तियां आउट आउट, सब जादू की टूने की, हर शैतानी आत्माएं की जिसने इसके बच्चे के दिल में शेक किया है, चल शैतान, गंदी आत्मा इसके बच्चे के, उसके दिल से आउट करता हूं तुझे, फ्री Free in the name of Jesus. Be healed. Be healed. Be healed. Be free in the name of Jesus. Touch. Free. 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 तो आजाद है। आज से रोना नहीं है। आज मुठियाई बांटनी है। हाँ? यहाँ पर भी अपने सारे रिश्तेदारों को, अपने गली मोहल्ले वालों को जाओ, जाके मुठियाई बांटो। परमेश्वर इसके दिल का शेक भर चुका है, आज से वो भर चुका है। ओके, आज से रोना नहीं है। चलो थोड़ा सा वो गाओ, नचने नु दिल करता। सुनते हैं गवाहियां भी, क्योंकि परमेश्वर ने आनंद दिया है तो थोड़ा सा करना चाहिए। दाऊ तो मंगू है ना, थोड़ा सा ये जल्दी से, बस जल्दी से।
ठीक है ओके गॉड ब्लेस यू परमेश्वर खुशी मैनू यसू ने बखाई है खुशी अख भरी आई है अरे खुशी मैनू यसू ने बखाई है इस खुशी अख भरी आई है दसने दिल का दिना